हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज वीज कोन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को भी हिट कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। मेरे चैनल पे मोस्टली वीडियोस आती है ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड। अगर आपको भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है ऑल अबाउट हेयर केयर। मेरे को बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ हेयर केयर रूटीन शेयर करिए। मेरी कोई ऐसी बहुत लंबी चौड़ी हेयर केयर रूटीन नहीं है, बट मैं आपको कुछ अपडेट करना चाहती हूँ कि मैंने अभी 2-2.5 महीने पहले स्मूदनिंग करवाई है और मैंने हेयर कलर भी साथ ही में करवाया था। एक और अपडेट करना चाहती हूँ आपको कि मैं 4 बार स्मूदनिंग करवा चुकी हूँ अपने बालों पे एंड 1 बार रिबॉन्डिंग करा चुकी हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी, उसके बाद 2-2 साल के गैप के बाद मैंने 4 बार स्मूदनिंग करवाई है। उसके बाद भी आप देख सकते हो मेरे बालों की क्वालिटी मतलब काफ़ी ठीक है अभी तक तो। इसके पीछे की वजह मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ, क्योंकि मैंने आज से ये जो बालों पे जो केमिकल अप्लाई करवाने शुरू किए हैं इस चीज़ को आई थिंक 10 साल हो चुके हैं। 10 साल से मैं अपने बालों को केमिकली ट्रीट करवा रही हूँ, इन द सेंस कि मैं स्मूदिंग रिबॉन्डिंग करवा रही हूँ, ठीक है। बट मैंने हेयर कलर सिर्फ 2 बार ही करवाया है, एक 5 से 5 साल पहले करवाया था और एक अब करवाया है। इससे पहले मैंने कभी हेयर कलर अपने बालों को नहीं किया था। ओके, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि मैं शुरू से ही जो मेरी हेयर केयर रूटीन रही है बहुत ही सिंपल रही है। मैं ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, अगर मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर आप सोचो कि मैं बहुत DIYs यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ DIYs यूज़ नहीं करती हूँ। मैं शुरू से ही ऑयलिंग पे बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मा शुरू से ही जब मैं क्लास में थी मेरे को हमेशा ऑयली जंपिंग करते रहते थे। मेरे को शुरू से ही हैबिट थी इस चीज़ की कि मैं ऑयलिंग ज़रूर करती थी अपने बालों पे। इतने सालों से मैं ऑयलिंग करती आ रही हूँ और रेगुलरली करती आ रही हूँ। इन द सेंस जब भी मुझे वीक में 2 और 3 जब भी मेरे को हेड वॉश करना होता है उससे 1 रात पहले मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। और ऑयलिंग भी ऐसी थोड़ी बहुत ऑयलिंग नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चंपू टाइप वाली ऑयलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल लेके करती हूँ। एंड्स पे भी करती हूँ, पूरे थ्रू आउट हेयर पे करती हूँ। काफ़ी टाइम तक ये सब कुछ ठीक था, मतलब मैंने कभी भी स्पा नहीं लिया। इतने टाइम में 10 सालों में मैंने कभी भी हेयर स्पा नहीं लिया है। शैम्पू मैं स्विच करती रहती हूँ, वैसे मैं मोस्टली सनसिल्क यूज़ करती हूँ। बहुत लोग ये सुन के बहुत हैरान होते हैं, मुझे जब भी मैंने स्मूदनिंग करवाई उन्होंने मुझे रेकमेंड किया जी आप यही पर्टिकुलर शैम्पू यूज़ करो। मैंने 1-2 बार यूज़ करके भी देखा पर मेरे को सूट नहीं हुआ। मैं अभी पर्टिकुलर ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट मेरे को वो सूट नहीं किए। मैं आई स्टिक टू माई पुराना वाला शैम्पू, तो मैं वही यूज़ करती तो वो मुझे ठीक बैठ रहा था। बट इस बार स्मूदनिंग के बाद आई डोंट नो, बालों की शायद इतने केमिकली ट्रीट होने के बाद पता नहीं साथ साथ कलर करवा रहे उसकी वजह से बाल बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी हो गए। इतने ज़्यादा फ्रीजी और ड्राई हो गए थे कि बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे, बहुत ज़्यादा उलझ के जब भी मैंने कॉम करनी इतने बाल झड़ते थे। आई कॉन्ट टेल यू, मतलब मेरी मेड भी कहती थी सारे फ्लोर पे हर कहीं पे मेरे बाल ही बाल थे, मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को हेयर फॉल होने लगी थी। तो ड्राई थे, फ्रीजी थे, हेयर फॉल हो रही थी। जल्दी मैं आपको बता दूँ कि मैं शुरू से ही जो मैं एक ऑयल यूज़ करती आ रही हूँ शुरू से ही, वो कोकोनट ऑयल है। तो कोकोनट ऑयल ही यूज़ करती आ रही हूँ इतने सालों से, बट अब शायद उसने भी कुछ असर करना बंद ही कर दिया था। तो मुझे लग रहा था कि आई हैव टू डू समथिंग, कुछ स्विच करना पड़ेगा। तो वाओ के प्रोडक्ट आपने सुने होंगे, बहुत अच्छा ब्रांड है, मेरे को इस ब्रांड पर बहुत ट्रस्ट है। कि आपने देखी होगी मैंने 1-2 वीडियो और डाली है वाओ के प्रोडक्ट मैं बहुत यूज़ किए हैं मैंने। तो मुझे मतलब जैसे 1-2 प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो तो उन पर आप पे ट्रस्ट बन जाता है उस पर्टिकुलर ब्रांड पे।
तो मैंने सोचा चलो इसी की हेयर के रेंज के कुछ लेके दिखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आज से आई थिंक 1-1.5 महीना पहले की बात है, तो मैंने उसमें देखा हेयर के रेंज में इनके प्रोडक्ट, ब्लैक सीड अनियन वाला एक ऑयल देखा मैंने। मैंने कहा चलो ऑयलिंग पे ही मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ, तो मैंने सोचा चलो ऑयल ही चेंज करके देखते हैं। तो फिर मैंने इसको मंगवाया और मैंने इसको यूज़ करा, स्टार्ट करा। मेरे को विद इन 1-2 हफ्ते में ही कुछ इम्प्रूवमेंट लगी, बालों के टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट लगी मुझे, हेयर फॉल थोड़ी कम हो गई, एंड ऑल्सो मतलब बालों में थोड़ी वॉल्यूम लगने लगी। कि बालों में की वॉल्यूम प्रोडक्ट आने की मैं लगी, बात कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मैं इस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ जिसने मेरे को हेयर फॉल में और मेरे बालों के टेक्सचर इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करी है। सो दिस इज़ द वन, वाओ का ये है ब्लैक सीड हेयर ऑयल, अनियन, ब्लैक अनियन। जैसे आपने अभी बहुत इसके बारे में बहुत कहा जा रहा है कि ब्लैक जो अनियन होता है ये बहुत हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा चलो ये ट्राई करके देखते हैं। तो ये मैंने मंगवाया, अब आप देख सकते हो अगर आपको दिख रहा हो तो, ये ऑलमोस्ट मैं इतना फिनिश कर चुकी हूँ, इतना ही बाकी है। और मैंने इसका दूसरी बॉटल भी रिस्टॉक कर ली है एज यू कैन सी, तो मैंने दूसरी भी मंगवा ली है क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है इस पे जो लिखा हुआ है, ये है नॉन स्टिकी नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल फॉर सिल्कियर एंड स्ट्रॉन्गर हेयर। तो इसमें ब्लैक जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन करे हुए हैं, दैट इज अनियन ब्लैक सीड ऑयल विद आमंड एंड कैस्टर एंड होबा ऑलिव एंड कोकोनट ऑयल्स का ब्लेंड है। मतलब ये 3-4 ऑयल्स का ये ब्लेंड है। तो ऑब्वियसली अगर जैसे मैं कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही थी तो एक ही ऑयल के मुझे बेनिफिट मिल रहे थे, बट अभी मुझे 3-4 ऑयल का ये ब्लेंड है तो वो मुझे बेनिफिट्स चारों पांचों चीज़ों के मुझे बेनिफिट मिल रहा है मेरे हेयर्स को। तो मुझे काफ़ी अच्छा मेरे हेयर पे वर्क किया इसने और मैं इसके रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। तो दिस इज़ द वन प्रोडक्ट जो मेरे को मेरे लिए बहुत वर्क किया है। बहुत ही जेन्युइनली मैं ये बात बोल सकती हूँ कि जनरली मैं ऐसे रिव्यू शेयर नहीं करती हूँ जब तक मैं खुद उस प्रोडक्ट को काफ़ी लंबे समय तक टेस्ट नहीं कर लेती। तो प्रूफ आपके सामने है, मैं एक इतना यूज़ कर चुकी हूँ एंड एक मैंने ऑलरेडी रिस्टॉक कर लिया है। मैं आपको खोल के भी दिखा दूँ, कहीं कुछ लोग बाद में बोलेंगे तो खाली डब्बा उठाया हो इसने पुरानी बॉटल का। सो ये देखिए, ये बिल्कुल नई बॉटल है, अभी मैंने इसको ओपन नहीं करा है। तो अगर आपके भी हेयर मतलब फॉल हो रहा है, आपके हेयर ड्राई हो रहे हैं या फ्रिजी हो रहे हैं, आप डेफिनेटली इस ऑयल को ट्राई कर सकते हो, यू वोंट बी तो डिसअपॉइंट। आप इसका मैं प्राइस आपको बता देती हूँ, इस पे जो प्राइस मेंशन है दैट इज़ 599। आई वुड रिकमेंड कि आप इनकी ऑफिशियल साइट पर जाके इसको बाय करिए। आप कूपन कोड भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी क्योंकि इस पे अभी मुझे लग रहा है 15% ऑफ चल रहा है, बाय वन गेट वन का भी ऑफर है, शायद 16 से लेके 18 जुलाई तक आई गेस कुछ सेल भी आने वाली है इनकी, तो इस पे आपको काफ़ी ऑफर मिल जाएंगे। राइट नाउ 15% का ऑफ चल रहा है। आप वाओ टाइप करना है आपने कैपिटल लेटर्स में, 15 टाइप करना है और कूपन कोड लगाना है, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो ये है 599 का, तो 15% ऑफ भी आप देख सकते हो कितने का पड़ेगा आपको। आप किसी और साइट से लेना चाहो तो वहाँ से भी ले सकते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट हर किसी पे अवेलेबल है। बात करेंगे इसकी पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग इसकी कुछ ऐसी है, ऊपर एक इसके लिड लगा हुआ था, ढक्कन था, वो मेरे से कहीं मिसप्लेस हो गया है। ये पुरानी वाली बॉटल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये कुछ ऐसी सी इसकी पैकेजिंग है, पंप में आता है ये, डिस्पेंस करना निकालना बहुत आसान है, कोई ये फ्रीज नहीं जमता नहीं है। जैसे कोकोनट ऑयल में ये दिक्कत होती थी मुझे बहुत ज़्यादा कि विंटर्स में तो उसको लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेल्ट करना पड़ता है फिर लगाना पड़ता है, तो लगाने के बाद बालों पे भी मतलब वो जम जाता था वाइट वाइट उसमें, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आप विंटर समर हर सीजन में इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि इसको आप ओवरनाइट लगा के छोड़िए क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ। आई डोंट थिंक सो कि आधे एक घंटे में कुछ इतना फ़र्क पड़ता है, बट हाँ अगर आप लगाना भूल गए हैं और आपने उस दिन हेड वॉश करना है तो आप 1-2 घंटा पहले लगा के फिर वॉश कर सकते हैं, बट प्रेफर यही करिए कि इसको ओवरनाइट छोड़िए, नेक्स्ट डे इसको वॉश करिए, ठीक है। स्मेल इसकी बहुत माइल्ड है, मुझे थोड़ी आती है क्योंकि मेरी नोज़ बहुत सेंसिटिव है, बट मेरे हस्बैंड को इसकी बिल्कुल स्मेल नहीं आती है, तो ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है इसकी। ओवरऑल अच्छा है,
आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी, डेंड्रफ में ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है और डेंड्रफ में कोई ये डेंड्रफ को कोई ये क्योर नहीं करता है, क्योंकि मेरे को डेंड्रफ की दिक्कत है, उसमें इसने कुछ भी नहीं मतलब इम्प्रूवमेंट करी है, बट हाँ बाकी सब कुछ, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, ब्रेकेज कम हुई है, हेयर फॉल रिड्यूस हुआ है, बालों का टेक्सचर में बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। सो ये आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बता चुकी हूँ मैं जिंजर वाला हेयर ऑयल जो इन्हीं इसी ब्रांड का मंगवाया है उसको यूज़ करके मैं आपको उसके साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।